बार ना दोस्तों, भगवान के आशीर्वाद से हम अपने सपने की ओर निकल पड़े थे। और ये जो सफर है हमारा हरिद्वार से शुरुआत होने वाला था, तो पहले ना दोस्तों हम गंगा माता पे ना दीप अर्पित करते हैं, क्योंकि ना ये परिवार के सुख और शांति के लिए ऐसे माता पे अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों हम ना जल्दी से क्या करेंगे कि निकल जाएंगे दुर्ग जंक्शन पे, क्योंकि यहीं से हमारी सीधी ट्रेन चलती है हरिद्वार के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचेंगे बहुत सारे यात्री आपको दिखेंगे अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, लेकिन हम ऐसे ही नहीं पहुँच जाते दोस्तों, हमें छोड़ने के लिए आए होते हैं हमारे साथ शंकुबिया। के साथ मैंने बहुत सारे ट्रिप कर चुके हैं दोस्तों, आप भी जानते होंगे, और हम तीन दोस्त जा रहे होते हैं हरिद्वार और हरिद्वार से सीधे केदारनाथ। ये जो अंडर ब्रिज है ना दोस्तों, इसे मैंने ही बनवाया है, और इसको जैसे हम पार करेंगे ना तो हम पहुंच जाएंगे दुर्ग के जंक्शन के एक्सीलेटर के ऊपर, और हमारा लगेज और हम तीनों दोस्त निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर। यह जो सफ़र है ना दोस्तों, बहुत ही शानदार सफ़र है, और ट्रेन हमारा इंतज़ार कर ही रही होती है। हम जैसे ही बैठते हैं तुरंत ही चलने लगती है। हम दोस्तों यहाँ से सीधा जाएंगे निज़ामुद्दीन, क्योंकि ना दोस्तों निज़ामुद्दीन से बहुत सारी बसें चलती है ISBT कश्मीरी गेट से। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी सीट पर बैठे होते हैं और हमें आवाज़ आ रही होती है हरे कृष्णा नाम जप करने की, लेकिन जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो आप भी देखोगे कितना ही शानदार सीन होता है दोस्तों, और हम भी नाम जप करने लगते हैं, और भगवान जी के आशीर्वाद से आपको पता चलेगा कि हमें इससे क्या ही ज़्यादा लाभ होता है। तो आप बने रहे और आप भी नाम जप करें। दोस्तों हमने जब नाम जप किया ना, तो आप देख ही सकते कितना ही खतरनाक चमत्कार हुआ हमारे साथ, कि हम सीधा स्लीपर कोच में बैठे हुए हैं और अब हम पहुंच जाते हैं सीधा AC कोच में। तो कुछ इस तरीके से हमारा सीट नंबर दोस्तों आपको सामने की ओर दिखेगा, जो कि भगवान के आशीर्वाद से हमें मिला होता है, और यहाँ पे हम बहुत ही जल्दी से पहुँच जाते हैं, अपना सामान रखते हैं और सीधा ले डाउन हो जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं दोस्तों। और इसी में ना दोस्तों बहुत ही शानदार सफ़र करते हुए हम सीधा आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं हंसते हुए, और दोस्तों पता ही नहीं चलता कब नाश्ते का वक्त हो जाता है, और हम खाते हैं कटलेट और ब्रेड और समोसा, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है दोस्तों, और हाँ चाय भी था, क्योंकि शाम हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं सूरज धीरे धीरे ढलने लगा है और हम पहुंच चुके हैं अनूपपुर जंक्शन में। तो यहाँ पे ना हमारी ट्रेन दोस्तों रुकी हुई होती है, क्योंकि सिग्नल नहीं मिला होता है हमारी ट्रेन को, और फिर जल्दी से सिग्नल मिल जाता है तो हम जल्दी से एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं अपना, और जल्दी से चले जाते हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि हमारी ट्रेन फिर से चलने लगती है दोस्तों। और इस हरे भरे खेत को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने दोस्त से बात करने के लिए। हमारी जो ट्रेन है ना दोस्तों, सुबह 12 बजे से चल रही है और अभी शाम हो चुका है जैसा कि मैंने बताया, और अभी फिर सवेरे भी हो जाएगा, मतलब कल का सवेरे। तो बहुत ही लंबा हमारा सफ़र है, वो तो भगवान के आशीर्वाद से हम AC भी जा रहे हैं इस बारी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ना दोस्तों मैंने ना जनरल डिब्बे में भी सफ़र किया है और स्लीपर में भी किया, और भगवान के आशीर्वाद से AC में भी पहुंच गया अपने आप ही। और यहाँ पे ना दोस्तों हम बैठे हुए होते हैं, बहुत ही शांत माहौल होता है AC का, सभी एकदम शांत होते हैं, और वहीं आप स्लीपर में रहेंगे तो चाय वाले ही आपको परेशान कर देंगे फोन बोल के। और हम पहुँच जाते हैं इस शानदार स्टेशन पर, क्योंकि हो चुका होता है रात दोस्तों, तो हमारी ट्रेन यहाँ पे लास्ट बार रुकेगी, क्योंकि हम जा रहे हैं दोस्तों संपर्क क्रांति से।
और इस तरीके से आपको रात के घनघोर अंधेरे का सीन दिखेगा हमारे बोगी के अंदर। फिर उसके बाद दोस्तों पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है और हम इस ब्रिज के ऊपर ही खड़े होते हैं जस्ट। और हमारी ट्रेन इसलिए यहाँ पे रोक देती है कि आप उठो और इस खूबसूरत नज़ारे का लुफ्त उठाओ। तो मैं ड्राइवर को बोलता हूँ हमारी ट्रेन की कि चलिए काफ़ी है, इतना देर देख लिया मैंने। तो हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ने लगती है दोस्तों बहुत ही तेज़ी से, और सूर्यदेव ऊपर आ चुके होते हैं दोस्तों। उन्हें हम प्रणाम करके अपने आगे की यात्रा को जारी रखते हैं। तो ना दोस्तों यहाँ से ना दिल्ली अब दूर नहीं है, एक और हम नदी पार करते हैं छोटा सा, और उसके बाद दोस्तों पता ही नहीं चलता कब बज चुके होते हैं सुबह के 10, और बस यहाँ से हम आधे ही घंटे में दिल्ली में होंगे दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से मुझे ठंडी लग रही होती है तो मैं ना कंबल ओढ़ लेता हूँ दोस्तों, और उसके बाद हम तैयारी कर लेते हैं ट्रेन से उतरने का, क्योंकि हमारा निज़ामुद्दीन जो स्टेशन दिल्ली में पड़ता है वो आने ही वाला होता है। लेकिन उससे पहले हम स्वल्पाहार कर लेते हैं दोस्तों। हमने ना पूड़ी लेके गया था घर से तो वो बचा हुआ था, तो उसे मैंने ना आइडिया लगाया कि चाय के साथ खाते हैं, बड़ा ही आनंद आएगा। और यहाँ पे हमारा सारा ही लगेज रेडी होता है और हम उतरने के लिए दोस्तों तैयार होते हैं एकदम से। फिर ना दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ बाहर में ना हमको खच्चर जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों दिल्ली आने ही वाला है इसलिए हमारी ट्रेन थोड़ी धीरे हो जाती है, क्योंकि बड़े जंक्शन में ना दोस्तों जब कोई ट्रेन एंट्री करता है तो जो पहले से खड़ी ट्रेन होती है उसे अगर जाने के लिए लाइन क्लियर नहीं मिलता है तो ट्रेन धीरे धीरे करके जंक्शन में एंट्री लेती है। और हम उतर चुके होते हैं और जल्दी से लिफ्ट पकड़ते हैं, और यहाँ से ना दोस्तों हम सीधा हरिद्वार के लिए अब निकलेंगे निज़ामुद्दीन स्टेशन से। यहाँ पे हमारी बस आएगी दोस्तों जिसे हमने बुलाया है। अब बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हरिद्वार में दोस्तों। जय श्री राम।